हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द ओशन पोएम का, और ये पोएम को राइटर हैं इसके लॉर्ड बायरन जी। तो बहुत सी बढ़िया सी ये पोएम लिख रखे हैं इन्होंने। इसमें क्या बोल रखा है इन्होंने, कंपैरिजन दिखाया गया है किस किस के बीच में, ओशन के बीच में और मैन के बीच में। मैन क्या करता, आदमी क्या करता, हर चीज़ को वो पावरफुल है बहुत ही ज़्यादा, और वो ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है, और जो उससे जो किंग है और बहुत बड़े जो देश हैं, सिटी हैं, वो भी आदमी से डरती है। परंतु ओशियन है, समुंदर है, वो अनंत है और उस पर आदमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बल्कि जब समुंदर में जाता है आदमी, तो आदमी को समुंदर बाहर फेंक देता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से जो ओशियन है, समुंदर है, सी है, उसकी पावर को दिखाया गया है इस पोएम में। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्या लिखा है इन्होंने। हिज स्ट्राइप आर नॉट अपॉन दाई पाथ, हिज स्टेप्स आर नॉट अपॉन दाई पाथ। जो आदमी के जो स्टेप्स हैं, जैसे कि जो भी है, वो समुंदर के ऊपर नहीं होते। दाई फील्ड आर नॉट ए स्पॉइल फॉर हिम, जैसे जगह होती है, जगह क्या करता, नेचर को वो ज़मीन पे ख़राब करता रहता है इंसान, कैसे पहाड़ों को तोड़ दिया और पेड़ों को काट लिया, तो इस तरह से अपने जो है रास्ते बना लिए। परंतु वो समुंदर के ऊपर कोई भी पाथ, रास्ता नहीं बना पाया है आदमी। दाउ दोस्ट राइज एंड सेक हिम फ्रॉम दी द वाइल्ड स्ट्रेंथ ही विल्ड फॉर अर्थ डिस्ट्रक्शन, दाउ डोस्ट आज डिस्पाइज। जो क्या करता है, जो भी जो स्ट्रेंथ है आदमी की, वो केवल ज़मीन के ऊपर ही उसकी संभव है, और इस तरह से जो भी जो आदमी है विनाश करता है उसका, ज़मीन का, अर्थ का, तो इसको जो डिस्पाइज करता है, जो ओशियन है, वो इस डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के आदमी को उससे नफरत करता है। ये चीज़ उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो आदमी है वो प्रकृति का विनाश करता है। जो स्पर्निंग हिम फ्रॉम thy bosom to the sky, जब ऐसा करता वो आदमी, तो जब समुंदर में जाता है तो वो उसको फेंक देता, आसमान की तरफ फेंक देता है समुंदर अपनी जो विशाल लहरों से आदमी को। एंड sends him shivering in the playful spray, और वो कांपता हुआ कहाँ पर, वहाँ पर घबराता है। एंड howling at टू हिज गॉड्स वेयर हैप्पीली लाइज, और वो भगवान से प्रे करता है कि मुझे बचाओ बचाओ, और लास्ट में उसकी किसी वहीं से ही समुंदर के किनारे ही उसकी डेथ हो जाती है। उसके ना ही कोई उसकी मृत्यु के बाद उसको दफनाया जाता है वो समुंदर में, बिना कोई उसका ऐसी लावारिस लाश उसकी पड़ी रहती है, और कोई उसका फ्यूनरल नहीं होता समुंदर में, और वो अपनी जान गवा देता है जब भी वो कंपैरिजन करता है समुंदर से, सी से। द आर्मामेंट्स विच थंडर स्ट्राइक द वॉल, जो आर्मामेंट होते हैं, जो हथियार होते हैं, विनाशक हथियार, जो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी दीवारों को भी गिरा देते हैं। ऑफ रॉक बिल्ट सिटी, चट्टानों से बने हुए शहरों को भी नुकसान पहुंचा देते हों। बीडिंग नेशन को एक, जो बड़े बड़े जो देश हैं वो भी क्या करते हैं, आदमी के सामने एक दूसरे से वो डर जाते हैं और कांपने लगते हैं वैसे उन बड़े बड़े हथियारों से। एंड मोनार्क ट्रेम्बल इन देयर कैपिटल, और जो मोनार्क हैं, जो राजा हैं, वो अपनी जो है कैपिटल है, अपनी राजधानी में क्या करते हैं, कांपते हैं, किन से, बड़े बड़े उन हथियारों से, आर्मामेंट से। द ओक लेवियाथन हुज ह्यूज रिप मेक देयर क्ले क्रिएटर द वेन टाइटल टेक, अब ये वो बड़े बड़े उसकी बात कर रहे हैं, जो समुद्री जहाज हैं वो क्या है, वैसे तो उन्होंने बहुत बड़े बना रखे हैं, परंतु क्या है, समुंदर के सामने वो किसी खिलौने के समान है, बड़े बड़े वो समुद्री जहाज भी। ऑफ लॉर्ड ऑफ दी एंड आर्बिटर ऑफ वार
दीज आर दाई टॉयज, यहाँ पे देव बता रहा है कि ये क्या है, बड़े बड़े जो महान जो शिप हैं जो समुद्र के ऊपर तैरती हो, क्या है उसके खिलौने के समान है। एंड एज द स्नोवी फ्लेक, जैसे कि समुद्र का वो होता है ना कोई बर्फ का गोला, ऐसे उनके समान है और जल्दी वो पिघल जाते हैं सब। दे मेल्ट इन टू दाई येस्ट ऑफ वेव्स, ऐसे जो वेव्स है ना उसमें ही वो पिघल जाते हैं। विच मार अलाइक द आर्मेडा प्राइड ऑफ स्पाइल ऑफ त्राफलगार, जो त्राफलगार की जो लड़ाई हुई थी एक, उसमें क्या हुआ था, जो इंग्लैंड की और फ्रांस की आपस में लड़ाई हुई थी, और एक जो बहुत ही बड़ी ये स्पेनिश शिप थी जिसका नाम था अर्मेडा, और इसका भी जो प्राइड है उसको भी तोड़ दिया था सी ने, समंदर ने, क्योंकि इनका ये प्राइड था कि ये तो बहुत ही महान शिप है और ये नहीं डूबेगी। परंतु इस त्रावलगार वार में क्या हुआ था, ये भी डूब गई थी, और इसके जैसे बहुत सारी जो है शिप है वो समुंदर में डूब गई थी, क्योंकि समुंदर क्या है, बहुत ही बड़ा है, विनाशकारी है, महान है। दाई शोर आर एम्पायर्स, जो इसके जो किनारे पर ही जो बड़े बड़े जो शहर हैं वो बसे थे। चेंज्ड इन ऑल सेव दी, उन्होंने जो समुंदर ने जो सारे जो चेंजेस हैं, बदलाव है वो देखे हैं, जैसे ये सीरिया, बड़े बड़े जो देश हुए थे ग्रीस, रोम, कैथरेज, व्हाट आर दे, क्या है अब, जो पहले बड़ा बड़ा रोमन साम्राज्य हुआ करते थे अब कहाँ गए वो। दाई वाटर वाश्ड देम पावर विद दाई वर फ्री, जब उनको जो समुंदर ही जो उनको पानी दिया करता था, उनको जो अपने ऊपर चलने के लिए रास्ता दिया करता था, और इस प्रकार से ही वो बसे थे बड़े बड़े शहर। एंड मैनी ए टायरेंट सिंस देयर सोर्स ओबे द स्ट्रेंजर स्लेव और सेवेज देयर डिके। अब पहले तो वो कौन थे, बड़े बड़े वो राजा जो टायरेंट जो शासक थे वो राज किया करते थे, बाद में अब कौन कर रहे हैं, जो उनके जो स्लेव थे, जो गुलाम थे, जिनको उन्होंने गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था उन स्लेव्स को, और वो स्ट्रेंजर वो दूसरी जो जगह से आए थे और स्लेव, अब उन जो है शहरों पर उनका राज कर रहा है, राज चल रहा है। हैज ड्राइड अप रेलम ऑफ टू डेजर्ट्स, जो उसने क्या कर दिया, आदमी ने जो बड़े बड़े जो रेलम थे, विरासतें थे, उनको भी किसमें, डेजर्ट, रेगिस्तान में कन्वर्ट कर दिया है। नोट सो दाओ, परंतु समुंदर तो पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही था, ये क्या है, इमोर्टल है और अनंत है, बहुत बड़ा है, और ये किसका है, गॉड के एक सिंबल के तौर पर है, जिसको हमेशा ही ओमनी प्रेजेंट है, और क्या है, जिसने सब कुछ देखा है, बड़े बड़े शहरों को इसने बनते देखा है, बिगड़ते देखा है, और टाइम का भी समय का भी इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। अनचेंजेबल सेव टू दाई वाइल्ड वेव्स प्ले टाइम राइट नो रिंकल ऑन दाइन अजूर ब्रो, जो टाइम है ना, समय है, राइट नो रिंकल, यानी कि टाइम के हिसाब से भी इसके जो चेहरे पर कोई झुर्रिया नहीं पड़ती, यानी कि समय का भी इसके कोई ऊपर जो है, जो इसकी जो अजूर क्या होते हैं, नीली ब्रोस्ट है, जो इसकी जो नीली आपकी जो सतह है ना, टाइम का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम के साथ सभी चीज़ों का विनाश होता है टाइम के हिसाब से, परंतु क्या है, यहाँ पर टाइम भी इसके सामने फेल है, समुंदर के सामने, क्योंकि उस पर वो जैसा था जब नेचर के क्रिएशन के टाइम पर, अब भी वैसा ही है। सच एज क्रिएशन डोन बिहेल्ड दाउ रोलेस्ट नाउ, जैसे अब वो था ना, जैसे ये क्रिएशन शुरुआत के टाइम पर भी जो डॉन जब शुरुआत हुई थी, जैसा ही समुंदर था, आज भी वो वैसा ही है। दाउ ग्लोरियस मिरर वेयर द अलमाइटी फॉर्म, ये जो भगवान की जो फॉर्म आकृति है उसको भी जो बहुत बढ़िया आकृति को ये दर्शाने का काम करता है, और ये ग्लोरियस बहुत ही महान मिरर आईने के समान है। ग्लासेस इट सेल्फ इन टेम्पस्ट इन ऑल टाइम
काम और कन्वोल्यूशन इन ब्रिज और गेल और स्टॉप। अब ये बता रहा है कि इसमें क्या क्या होता है। ये काम होता है, शांत भी रहता है समुंदर, और साथ में क्या हो जाए कन्वोल्यूशन क्या होता है, तूफानी भी बन जाता है, जो ठंडी जब हवा इसके ऊपर बहती है, ठंडी ठंडी चलती है, गर्म भी चलती है इसके ऊपर, नहीं तेज हवा चलती है, स्टॉर्म क्या होते हैं तूफान, यहाँ पे गेल है उसका तेज हवा मीनिंग है, स्टॉर्म तूफान होता है, ब्रिज हवा होती है, और क्या होती है आइसिंग द पोल, चाहे ले लो पोल के ऊपर जहाँ पर ठंडे जो है जगह है वहाँ पर भी समुंदर है, या फिर जो टोरिड क्लाइमेट जो गर्म जो जलवायु है वहाँ पर भी जो है समुंदर मिलता है, वहाँ पर भी समुंदर है, और जो ठंडे जो इलाके हैं वहाँ पर भी वो है। डार्क हीविंग बाउंडलेस एंडलेस एंड सबलाइम, कैसा है बाउंडलेस, कोई इसकी बाउंड्री नहीं है, एंडलेस इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है, और क्या है सबलाइम है, विनर्म भी है साथ में, ये नहीं कि हमेशा ही अपनी जो है तांडव वाली जो फॉर्म है वो विनाशकारी जो फॉर्म आ करती वो ही दिखाता है, ये पेट भी भरता है मछलियाँ भोजन और सब कुछ जो है रास्ता भी प्रदान करता है। ये दोनों नेचर यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसके जिंदगी को देने वाला भी और जिंदगी को लेने वाला भी। द इमेज ऑफ एटर्निटी द थ्रोन, द इमेज ऑफ एटर्निटी यानी कि क्या है, हमेशा जो रहने वाला है उसकी जो है इमेज के तौर पे है। द थ्रोन ऑफ द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल जिसको हम देख नहीं सकते, भगवान की क्या है एक सिंहासन है, भगवान के बैठने की जगह है, भगवान की थ्रोन है। इवन फ्रॉम आउट द स्लाइम द मॉन्स्टर ऑफ द डीप आर मेड, और जो इसके जो मिट्टी होती है गारा होती है उसमें से क्या है बहुत बड़े बड़े जो मॉन्स्टर हैं वो निकलते हैं, जैसे कि जो वेल्स हैं बहुत बड़ी बड़ी जो है इसमें रहती है समुंदर में। ईच जोन ओबे दी, हर एक जो जोन है उसका ओबे करती है पालन करती है। दाउ गोस्ट फोर्थ, तुम हमेशा से चलते आ रहे हो, ड्रेड फातमलेस अलोन, बहुत सारे तुम इसका क्या बॉटमलेस क्या होता है बहुत ही गहरा है अलोन है। तो इस तरह से क्या दिखाया गया है, एक समुंदर के जो रूप को दिखाया गया है कि वो अनंत है, बहुत ही बड़ा है, महान है, और उसके सामने एक आदमी की कोई भी औकात नहीं है। आदमी का जो प्लेस दिखाया गया है, क्योंकि आदमी क्या होता है थोड़े ही दिन तक जिंदा रहता है, बाद में उसको जो है मृत्यु का सामना करना पड़ता है, वो क्या है आदमी क्या है मोर्टल है, और उसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है टाइम का प्रभाव पड़ता है, और क्या होता है, और उसने जमीन पर तो अपने बहुत अधिकार जताए, अपने बहुत बड़े पावरफुल उसके पास वेपन है, उन्होंने पहाड़ों को भी तोड़ डाला है, और नेचर का बहुत ही ज़्यादा आदमी ने विनाश किया है अपने जो हार्मफुल हथियारों से, परंतु उन बड़े बड़े हथियारों का भी जो समुंदर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जो बड़ी बड़ी जो शिप हैं वो समुंदर के आगे एक टॉयज के समान है, खिलौने के समान है। तो इस प्रकार से ये एक्सप्लेनेशन थी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।